मौके पर पटना के अशोक राजपथ पर स्थित बने टी के घोष अकादमी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई वार्ड पार्षद और पूर्ववर्ती छात्र मौजूद रहे। ये स्कूल 125 साल पुराना है, जिसको पुनर्निर्माण 7.5 करोड़ की लागत से किया गया है। आपको बता दें कि इसी स्कूल में देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिक्षा ग्रहण की थी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने तय किया है कि अब जितनी भी पंचायतें हैं उन पंचायतों में एक हाई स्कूल बनाया जाएगा। अभी बिहार सरकार ने यह तय किया है कि जितने पंचायत हैं हर पंचायत में एक हाई स्कूल होगा। और पहले हम लोगों ने तय किया था कि जहाँ मध्य विद्यालय है अगर 1.5 एकड़ जमीन उनके पास अतिरिक्त होगी तो उनको उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय बना दिया। लेकिन अब उसको हमने 1.5 एकड़ के बजाय और 0.25 एकड़ कर दिया है। तो जिस पंचायत में मध्य विद्यालय है और 0.25 एकड़ जमीन अगर है, अतिरिक्त भूमि है, तो उन विद्यालयों को हम उच्च विद्यालय में हम परिवर्तित करेंगे। साथ ही साथ बिहार सरकार ने यह भी तय किया है कि जितने लाभार्थी हैं, चाहे वो पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, छात्रवृत्ति हो, उन सभी लाभार्थियों को अगले वित्तीय वर्ष से आधार नंबर के बिना उनके खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया। तो टीके घोष अकादमी के भवन का उद्घाटन कल सरस्वती पूजा के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने किया। वसंत पंचमी के मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी यहां पर पहुंचे और उन्होंने टीके घोष अकादमी के भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री और वार्ड पार्षद भी मौजूद